वहीं सुपौल में नशा मुक्ति अभियान के तहत मोटरसाइकिल रैली निकाली गई है। त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय के ललित नारायण विज्ञान इंटरमीडिएट महाविद्यालय परिसर से लोगों ने शांति और नशा मुक्ति को लेकर मोटरसाइकिल रैली निकाली। ये रैली दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक की अध्यक्षता में हुई है। इसके साथ ही महाविद्यालय में 5 दिवसीय हरिकथा का भी शुभारम्भ किया गया। ये दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का एक सामाजिक प्रकल्प युवा परिवार सेवा समिति द्वारा सामाजिक प्रकल्प बोध प्रकल्प है, जो नशा से संबंधित है, जो आज के युवा वर्ग जो नशे में लिप्त हैं, उसी को लेकर के ये जितने भी YPSS की टीम आप देख रहे हैं, आप जो लगभग 200 के लगभग बाइक हैं जिसमें सभी युवा वर्ग जो बैठे हुए हैं, ये सभी नशा से मुक्त होकर के समाज को नशा से मुक्त करने के लिए आगे निकले हैं। शेखपुरा से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां पति ने पत्नी और 4 महीने के बच्चे की हत्या कर दी। दरअसल आरोपी पति को शक था कि महिला का उसके देवर के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, जिसके चलते पति ने उसे और बच्चे को नशे की दवा खिलाकर उनकी हत्या कर दी और गंगा नदी में दोनों शवों को फेंक दिया। वहीं पुलिस ने अब इस मामले में बड़ा खुलासा करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कांड दर्ज कराया गया था कि उनकी बेटी अपने ससुराल से, क्योंकि शेखपुरा में पड़ता है, वहाँ से गायब है और इसी संबंध में जांच की टीम बनाई गई थी। और जब जांच किया गया तो उसमें पता चला कि उनकी बेटी के यहाँ जो शादी हुई थी उससे उनके ससुर और बाकी लोग खुश नहीं थे और उनके प्रताड़ना की बात आई थी। इसमें जब जांच किया गया अग्रतर इसमें तो पता चला कि घटना की रात में एक एम्बुलेंस भी उनके यहाँ पर आई थी और उसी के जांच में एम्बुलेंस का नाम पता किया गया और एम्बुलेंस ड्राइवर से पूछताछ की गई। एम्बुलेंस ड्राइवर के द्वारा बताया गया कि घटना के दिन उनको बताया गया कि एक महिला की डेड बॉडी है और उसको मुंगेर ले जाना है। और यही बात से जब मृतका के जो पति से बात कराई गई तो उन्होंने अपनी स्वीकारोक्ति बयान में दिया है कि ये शादी से पहले ये जो महिला है दिव्या कुमारी, इनके साथ इनका प्रेम विवाह हुआ था, लेकिन इन्हें शक था कि इनके इनके भाई के साथ अवैध संबंध है। शेखपुरा में भीषण सड़क हादसा हो गया। मामला अरियरी थाना क्षेत्र के विद्यापुर गांव का है, जहां बस ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी वजह से बाइक सवार बुरी तरह से घायल हो गया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने आनन फानन में घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल से घटना के बारे में जानकारी ली, साथ ही केस दर्ज कर लिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। जानकारी मिली कि हुसैनाबाद विद्यापुर मोड़ एक है, वहीं पर एक बस आ रही थी हसन ट्रेवल्स उधर मोहली तरफ से, संयोग से एक मोटरसाइकिल विद्यापुर से के ही रोड से निकल रही थी, उसी में दोनों में स्पर्श हुआ है तो मोटरसाइकिल पर जो सवार था उसको कुछ चोट लगा है, जो यहाँ इलाजरत है। कार्रवाई उसके परिजन जैसा बोलेंगे वैसा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए TNP न्यूज़ के साथ। नमस्कार।